यह सभा आप सभी के बड़े अहंकार है। बाद में यहाँ पर यादव हमारे साथ है सर, कैसे देखते हैं? अभी आपने अवलोकन किया विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया, वृक्षारोपण किया, और ये कह सकते हैं कि आत्म भारत आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनने के लिए जो संयंत्र लगाया गया, कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा कैंपस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण हमने रामकृष्ण धर्मादि निष्ठि में किया है, और इसके बाद में यहाँ जो थर्मल पावर का, वैक्यूम पावर का जो बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया है, खासकर कार्बन को कंट्रोल करने की दृष्टि से, ये विश्व का तीसरा एक तरह से अनूठा प्रयोग है। इसके बाद लगेगा तो ये थर्मल यूनिट जो हमारे बिजली उत्पादन के रहते हैं विभिन्न प्रकार के, वहाँ बड़ा काम में आएगा। मैं अपनी ओर से एक अच्छे प्रयोग की बधाई भी देता हूँ। यह साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान तकनीकी, अलग अलग विभागों ने मिलकर तालमेल करने के बाद मध्यप्रदेश में जो नया एक इनोवेशन का प्रयोग किया है, उच्च शिक्षा होता ही इसीलिए, और खासकर यूनिवर्सिटियों में प्रयोग होते रहना चाहिए। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलकर के ऐसे प्रयोग को प्रोत्साहन देती है, मेरी अपनी ओर से बधाई। आप क्या लगता है, आपको और भी लोगों को आपका लोगों से कहना चाहते हैं कि चूंकि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश तभी बनेगा जब हर जगह सूरज प्लांट लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन के प्लांट तो हर जगह लगवाई दिए गए हैं, और फिर आपका विभाग क्या प्रयास किए जाएंगे और आगे? ये बात सही है कि जितनी रिसर्च हो उतना काम है, और जो रिसर्च हो गई इसका सार्थक सदुपयोग भी होना चाहिए, और सदुपयोग होने की दिशा में जैसे आपने ऑक्सीजन प्लांट का उल्लेख किया है, कार्बन का भी हो रहा है, एलगी का उपयोग हो रहा है, यहाँ बाय प्रोडक्ट और जो निकलने वाले बाकी वेस्ट मटेरियल है, उस प्रत्येक मटेरियल का उपयोग समाज हित में करने का, प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए मनुष्य जीवन के लिए वो सार्थक उपयोगी सिद्ध हो जाए।
सर पर्यावरण को कैसे देखते हैं, वृक्षारोपण भी किया गया है तो क्या लगता है आपको कैसी पहल है, आपने भी आप काम से करा है? वृक्षारोपण तो हमेशा एक तो ऑक्सीजन बैंक है अपने आप में, उसका तो बहुत बड़ा लाभ है, ये तो होना ही चाहिए, इसका बड़ा अपने आप में उपयोगी है। इसमें उम्मीद करता हूँ हर के डी एस इसी प्रकार उन्नति करता जाए। ठीक है, हमारे साथ है इस वक्त संचालक पांडे सर, आपने भी वृक्षारोपण किया है, आपने नाम का पौधा लगाया है, कैसे देखते हैं? पर्यावरण संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, जितना प्रदूषण फैल रहा है, वन कट रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। भविष्य को अगर सफल बनाना है, सुखी बनाना है, तो हम सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिजली संकट के साथ साथ बिजली सोलर प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है, कैसे देखते हैं, क्या संदेश लोगों के लिए? निश्चित रूप से ऊर्जा की बचत भी होनी चाहिए, ऊर्जा का अधिक उत्पादन भी होना चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा संसार देना चाहते हैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए, हमारे साफ तौर पर ये लोग हैं, उनका जो अतिथि हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आईडीडीएफ ग्रुप ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना कराई है, और लोग उनसे प्रेरणा लेंगे कहीं ना कहीं साफ तौर पर। इस वक्त हमारे साथ खुद चार्ल्स क्लार्क, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कुलाधिपति साधना कपूर जी, मैम कैसे देखते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम है, अतिथि बहुत तारीफ की है, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अच्छी पहल है हमारी। यदि अच्छी सोच हो, अच्छी नीयत हो, तो फिर प्रभु हर काम अच्छे ही करते हैं। और उन्होंने हमें बहुत अच्छी टीम दी है, और हम सारे मिलके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अभी आज बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं, लोग कह रहे हैं कि एक एशिया का पहला ऐसा प्लांट लगाया गया है। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आरकेडीएफ ग्रुप की, क्योंकि ये विश्व अभी इंडिया में पहला प्लांट है, और अभी तो आप देखते जाइए, एक के बाद एक उपलब्धि आती जाएंगी, और आरकेडीएफ ग्रुप का झंडा फहराता रहेगा, और हम विश्व में इसका नाम। हमारे साथ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति डॉक्टर कपूर जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपने पेड़ लगाया है आरकेडीएफ ने, जो लोग यहाँ जितने अतिथि आए थे उन्होंने बड़ी तारीफ की है कि चूंकि एक सोलर प्लांट भी लगाया गया, कैसे देखते हैं? मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, और यूनिवर्सिटी ऐसे तरक्की करे वही मैं दिल से चाहूँगी। एंड मैं सभी अपने स्टाफ मेंबर्स एंड सभी को थैंक यू करना चाहती थी, कोरोना में भी उन लोग ने कोविड टाइम्स में भी बहुत अच्छे से मेहनत करके काम किया, एंड जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारी खुशी में शामिल हुए। आपने पेड़ लगाया है, रुद्राज के पेड़ लगाए गए हैं, तो क्या संदेश दिया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है कोरोना काल में, तो क्या लगता है कि लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, क्या संदेश है आपका? जी, पेड़ लगाइए, अपने आप को बचाइए।